टू द चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने फूड चैलेंज बहुत सारे किए हैं मेरे चैनल पे, बट इस टाइम पे हम फूड चैलेंज नहीं करेंगे। तो दूसरा कुछ मैं एक चैलेंज लेके आई हूँ। सो दिस इज अ नो फोन फॉर 24 आवर्स चैलेंज। तो कुछ दिनों पहले ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि 24 आवर विदाउट फोन रहना थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा था। समझ रहे हो? इस बार मैंने पूरा मन बना लिया है। तो कल रात को मैंने 11 बजे मेरा फोन रख दिया था, मैं वो क्लिप यहाँ पे डाल दूंगी। Flashback. Hey guys, तो अभी बज रहे हैं 11:13 as you can see। तो अभी मैं करूँगी वाईफाई को ऑफ, एवरीथिंग इज ऑफ। और अभी हम फोन को बंद करके इसे ड्रायर में रख देंगे। तो फ़ोन हमने रख दिया है तो सोते हैं, क्योंकि विदाउट फोन वी कांट स्क्रॉल एनी सोशल मीडिया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के लिए मैंने चूज़ किया है ओट्स का चीला या फिर पैनकेक बनाने का। तो यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट ले लिए हैं, वॉट एवर थिंग्स विल रिक्वायर्ड फॉर दिस रेसिपी। सो लेट्स मेक दिस पैनकेक। और यहाँ पे मैंने पैन को भी हीट करने के लिए रख दिया है। मैंने ओट्स ले लिए हैं, कितने लोगों के लिए बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो मैं यहाँ पे 3-4 लोगों के लिए बना रही हूँ। एडिंग सम आलमंड्स, एडिंग 1 स्पून ऑफ फ्लैक्स सीड, विल ड्राई रोस्टेड, नाउ यू कैन सी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गए हमारे ओट्स बादाम। तो अभी हम इसे थोड़ा सा कूल करेंगे, फिर हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो हमारा मिक्सर ग्राइंडर का जो पॉट है वो छोटा है, तो हम इसे 2 बैचेस में करेंगे। अभी हम इसमें डालने वाले हैं 2 बनानास, 1 टेबलस्पून ऑफ अनस्वीटन कोको पाउडर। अब इसमें डालेंगे हम जैकी, दिस इज अप टू यू कितना स्वीट आप खाते हैं, या फिर आप शुगर भी डाल सकते हैं। फॉर मोर हेल्दियर वर्जन आई हैव एडेड हियर जैगरी। अभी हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क, अब इसे हम ग्राइंड करेंगे, और फिर अगर मिल्क की ज़रूरत और होगी तो और हम ऐड करेंगे। दिस इज हाउ दी टेक्सचर विल लुक लाइक जब हम मिक्सर ग्राइंडर में इसे ग्राइंड कर लेंगे। हो गया है, तो आगे जो भी मैं करूंगी डेफिनेटली आई विल ब्लॉग, ये ब्लॉग को मैं कंटिन्यू पूरा दिन करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। तो ब्रेकफास्ट बनाने के बाद में मैंने आफ्टरनून के सारे यूटेंसिल्स क्लीन किए, फिर मैंने थोड़ा टीवी देखा, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही वॉज एंजॉयिंग। और फिर बस थोड़ा सा नैप मैं यहाँ पर ले रही हूँ, मुझे दोपहर में सोने की आदत नहीं है, बस आई एम रेस्टिंग फॉर अ वाइल। So here I am writing some video idea, some Instagram idea or any other whatever I have to mention on my notebook. So this was my planner. फिर यहाँ पर मैं बहुत सारे कपड़े लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, एंड दैट वॉज क्लीनिंग माई वॉर्डरोब। तो वॉर्डरोब क्लीनिंग का काम मैं यहाँ पर कर रही हूँ, और बहुत सारे कपड़े हैं यहाँ पर, सबको मैं फोल्ड यहाँ पर कर रही हूँ। तो
आप देख पाओगे इतना ठीक ठाक, मतलब मैंने वाटर पे यहाँ पे क्लीन कर दिया है और मैं भूल गई पहले का क्लिप लेने का, तो आपको पता चलता है कि पहला कितना गंदा वाटर को दिख रहा था। तो दिस इज हाउ राइट नाउ यू कैन सी ऐसा कुछ वाटर दिख रहा है, इसमें बहुत टाइम चला गया था। सो दिस वॉज रियली ह्यूज टास्क जो मैंने विदाउट फोन कम्प्लीट किया है। So this is how the wardrobe look like once I had complete the cleaning task. Then मैंने बहुत सारे काम किए, उनका क्लिप मैंने नहीं लिया, बट मैंने यहाँ पे मतलब इवनिंग में मैं भगवान की पूजा करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानती हूँ। सो आई वॉज प्रेइंग फॉर अ वाइल। देखा मैंने पूरा दिन बिल्कुल भी फोन को यूज नहीं किया है, ना ऑन कैमरा ना ऑफ कैमरा, और उससे मुझे पता चला कि एक दिन कितना बड़ा होता है एंड कितने सारे काम हम एक दिन में कर सकते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे काम मैंने घर के आज कंप्लीट किए हैं। आई हैव डन दी वार्डरोब क्लीनिंग जो मेरा बहुत दिनों से मतलब पेंडिंग ही हो रहा था। कपड़े मेरे ऊपर गिरते थे जब भी मैं कपड़े निकालने जाती थी या फिर कोई कपड़ा ढूंढने जाती थी, तभी भी मुझे बिल्कुल नहीं मिलता था, और फाइनली आज मेरा वार्डरोब क्लीनिंग का काम हो गया है थैंक्स टू दिस चैलेंज। और साथ में मैंने और भी कुछ सारे काम किए हैं, मम्मी को हेल्प किया है, और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा ये चैलेंज करके क्योंकि सोशल मीडिया डिटॉक्सिंग इज वेरी इसेंशियल नाउडेज। ऐसा नहीं है कि फ़ोन बिल्कुल भी काम की चीज़ नहीं है, ऑफकोर्स इट हैज सो मेनी बेनिफिट, बट कुछ टाइम के लिए हमें उससे डिस्टेंस मेंटेन करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्योंकि मेरा तो बहुत सारा काम मेरा फ़ोन पे ही होता है, बींग अ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर आई हैव टू पोस्ट सो मेनी थिंग्स ऑन इंस्टाग्राम ऑन यूट्यूब, और इवन आई एडिट माई वीडियोज ऑन अ फ़ोन ओनली, तो उसकी वजह से फ़ोन पे टाइम स्पेंड करना तो मेरे को ज़रूरी होता ही है। बट मुझे ये अच्छा लगा ये चैलेंज करके, तो अभी हम फ़ोन लेने के लिए जाते हैं। सो कम विद मी। ओके तो फोन हमारे हाथ में आ चुका है और मैं दिखाती हूँ कितने सारे नोटिफिकेशन पॉपअप हो रहे हैं मेरे फ़ोन पे, तो मैं इनको चेक करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, प्यारा सा कमेंट भी छोड़ सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन स्टे पॉजिटिव एंड गुड बाय।